फोटो खिंचाने का। अरे पूरा रिश्ता बताओ ना। तो दोस्तों हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और यहां से लगभग अयोध्या जो है 8-10 किलोमीटर बचता है। ये हैदराबाद का एरिया है, अभी पहले हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये रोड के किनारे देख लीजिए ग्रिल लगी हुई है और यहां पर काफ़ी अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाई गई हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगती हैं देखने में। और तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं और हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साहब देख लो यहाँ पे सारे लोग स्नान कर रहे हैं और ये यहाँ का सीन है अभी। और कल मौनी अमावस्या थे इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे नहीं, लेकिन जो है रोड पे बहुत ज़्यादा है। हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पर बिल्कुल फुल है और रास्ता काफ़ी चौड़ा हो गया, तब भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जय श्री राम, जय धरती मैया, जय उद्याता। एक बार फिर से बोलिए मैया की जय। बैठे कहीं स्नान करें, सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बंदरों आज भीड़ है काफ़ी दूर, जो बस लोग बस से आते हैं, लोग यहीं पर खाना बनाते खाते हैं और यहीं पर रुकते हैं ठहरते हैं तभी तो, और उसके बाद में जाते हैं दर्शन वर्शन करते हैं। तो इस तरह की यहाँ की व्यवस्था भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की भीड़ है। दोस्तों यही है लता मंगेशकर चौक और यहाँ देख लीजिए लता मंगेशकर चौक का जो है बनाया गया है यहाँ पे। अरे पूरा रिश्ता बताओ ना। गढ़ी जाने के लिए रास्ता है जो मेन अयोध्या का जो रास्ता है, यहाँ पे देखिए काफ़ी दुकानें तोड़ दी गई हैं यहाँ पे। इसको चौड़ा किया जा रहा है रास्ता को कि ये जो है हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने के लिए ये लता मंगेशकर चौक से वो वाली रोड है, लता मंगेशकर चौक से और जन्मभूमि के साइड में गई हुई है। रनुमा जब आशा है लेकिन वो खाली ऊपरी मन से नहीं रहा। आगे बहुत इतने तब चलती है बहुत अच्छा।
तस्वीरें हैं, देख लिए कैसे घर और दरवाजे से तोड़े जा रहे हैं। घर यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने वहाँ से तोड़ रहे हैं और ये उनको बताया गया है कि यहाँ तोड़ना है क्योंकि रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। इसीलिए आगे चल के जब राम मंदिर बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, उसकी संभावना को देखते हुए उसी हिसाब से उसको तोड़ा ही की जा रही है, रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाखों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या है और पूरा रोड भरी हुई है यहाँ पे। भीड़ आप सामने देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में जैसा कि राम मंदिर बन रहा था इसीलिए जो है रोड चौड़ी करने के लिए काफ़ी घर तोड़े गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कैसे घर तोड़े गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पूरी रास्ते में जितने घर पड़े हुए हैं सबको तोड़ दिया गया है। मतलब कि जो हमारे पास हमारे पीछे आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा घर तोड़े गए हैं। ये आ देते हैं कैसे कैसे, और यहाँ पे रोड को चौड़ा किया जा रहा है जिससे कि यात्रीगण को सुविधा हो और राम जन्मभूमि का जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। इसीलिए इनको तोड़ के चौड़ा किया जा रहा है कि रास्ता चौड़ा हो जाए सबको सुविधा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या हनुमानगढ़ी है, और यहाँ पे काफी बीच में यहाँ काफी ज्यादा दुकानें थी जो कि हटा दी गई हैं क्योंकि उनके वजह से ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा था और इधर रास्ता गया है श्री राम जन्मभूमि के लिए। तो अभी आपको हम लेके चलेंगे वहाँ पे, आपको दिखाएंगे, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो जहाँ तक दिखा पाएंगे वहाँ तक आपको दिखाएंगे। काफी ज्यादा भीड़ है ये देख। हम लोगों को VIP गेट से बाहर भेज दिए हैं और यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, घूम के हम लोग को 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। अभी हम लोग गए थे भी नहीं हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी से हम लोग प्रसाद चढ़ा के आ गए हैं और रास्ता में घूम रहे हैं। धीरे बेटिया
तो दोस्तों देख लीजिए कैसे यहाँ पे दुकानें थोड़ा सा पीछे कर दी गई हैं, आगे जो हिस्सा था उसको तोड़ दिया गया है और पीछे से उसको बढ़ा दिया गया है जिसके कारण जाम ना लगे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो और जब मंदिर बन जाएगा तो फिर इसकी बात ही अलग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा और इससे ज़्यादा लाखों में करोड़ों में भीड़ होने लगेगी और प्रतिदिन का काम हो जाएगा, इसलिए इसको बढ़ाना और विकास करना ज़रूरी भी था। और इसका नाम दिया गया भक्ति पथ। अब हम पहुँचने वाले हैं दशरथ महल के पास में, ये सामने दशरथ महल है, ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हर जगह भीड़ है, क्योंकि जो है कल स्नान था, वो तो मैंने कई बार बता चुके हैं, इसीलिए जो है हम लोग वापस जा रहे हैं, नाश्ता थोड़ा कर लिए हैं, थोड़ा वोटा खा के और जा रहे हैं गाड़ी के पास। गाड़ी हम लोगों ने जो है सरजू यहाँ पर छोटा उसके पीछे दीवार के पीछे मैंने खड़ी कर दी थी, लोगों ने तो वहीं पर लोग लेने जा रहे हैं गाड़ी। अयोध्या की गलियाँ हैं और आपको दिखा रहे हैं गलियाँ अभी यहाँ की, देख लीजिए पीछे कैसे कैसे घर बने हुए हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए ठंडी का मौसम हो गया है, शाम हो गई इसलिए ठंडी होने लगी है। तो गली के अंदर से आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है ठीक है, चलते रहो सब, कहीं ना कहीं तो निकली हुई है।